हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एकेडमी आज की वीडियो में जो हम एसपी पी के इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन कर रहे हैं दिस इज़ पार्ट सिक्स इससे पहले मैंने आपको छह पार्ट अलग अलग टॉपिक के करवा दिए हैं इसमें हम फलन द ब्लैंक्स कर रहे हैं एंड दिस इज़ वर्क बुक एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज ए मैंने पहले करवा दिया है जो कि लेक्चर फिफ्थ था अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो ताकि आपका कंटिन्यूएशन में चलता रहे ऑल्सो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है वहाँ पर जाके जितने भी एस पी बख्शी के लेक्चर्स हुए हैं आपको मिल जाएंगे आराम से ओके okay. स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल आल्टरनेटिव जो भी आपको ऑप्शन दिए उसमें से आपको जो भी सुटेबल लग रहा है वो आपको फिल करना है फर्स्ट क्वेश्चन है सिंस द की आर विद माई मदर आई डैश योर मनी विल नॉट लैंड केन नॉट लेंड मे नॉट लैंड यहाँ पे आएगा कैन नॉट लेंड सिंस द कीज आर विद माई ब्रदर आई कैन नॉट लेंड यू मनी विल क्यों नहीं आएगा विल मतलब कि वो नहीं देना चाहता पर ऐसा केस तो नहीं है वो वहाँ पे लेकर आया हो किसी को भी उसके बस की नहीं मिल रहे कि उसके भाई के पास है तो वो नहीं दे पा रहा ठीक है मैं होगा जब वो शायद या डाउट में है तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे अभी नहीं है उसके पास की और वो नहीं दे पाएगा तो कैन नॉट लेंड ठीक है नेक्स्ट इज शी टोल मी दैट शी डैश इंग्लिश फ्लूंटली एंड वॉज़ वेरी हैप्पी कुड स्पीक कुड हैव स्पोकन कैन स्पीक करेक्ट आंसर इज़ एंड यस आंसर लिखे नहीं है आप चाहते हो तो मेरे साथ ही ट्राई कर सकते हो बुक तो सबके पास होगी बिकॉज पी डी एफ भी प्रोवाइड किया एंड मे भी आप में से कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा बुक प्रैक्टिस करने के लिए सो so, अगर आपके पास बुक है तो अच्छा है नहीं है तो पी डी एफ में भी है और अगर नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ लो आपके लिए करवाया जा रहा है ताकि आपके लिए और कन्वीनियंट हो सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुड स्पीक ठीक है नेक्स्ट इज डैश यू प्लीज हेल्प माई सन ऑप्शन ए है कैन बी है वॉज एबल टू एंड सी इज़ कुड यहाँ पे आएगा कुड ठीक है सबसे पहले ये समझो कि कैन एंड कुड में डिफरेंस क्या है कैन जब हम यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं एंड कैन इज प्रेजेंट टेंस कुड कैन का पास्ट टेंस होता है और कुड हम तब यूज़ करते हैं या तो जब कोई कन्फ्यूजन लाए होता है या बेसिकली एक पोलाइट मैनर में अगर किसी को बोलना होता है क्या आप ये कर सकते हो ऐसा अगर कुछ बोलना होता है तो तब हम वहाँ पर कुड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रही है ठीक है तो यहाँ पर कुड यूज़ होगा कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फोर After we have changed the puncture tire we dash continue our journey can was able were able to Correct answer is option C After we had changed the puncture tire we were able to continue our journey इंग्लिश अगर आपकी डेली रीडिंग हैबिट है मैंने ये बहुत बार बोला है तब आप अगर सेंटेंस पढ़ोगे ना जैसा ऑप्शन दिया है वो उसको यहाँ पे पुट करके देखो और सेंटेंस पढ़ो आपको खुद समझ आ जाएगा यहाँ पे चलो हम कैन डाल के देखते हैं ठीक है आफ्टर वी हैव चेंज द पंचर टायर वी कैन कंटिन्यू आर जर्नी यहाँ पे क्या है? Had आया है हैड आया हैड क्या है पास्ट है कैन क्या है प्रेजेंट है अभी बताया ठीक है तो उसी से ये गलत हो जाएगा वॉज एबल नहीं आएगा इसलिए वर एबल नेक्स्ट इज माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही डैश हेल्प्ड कुड कुड हैव शुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं की पर वो हेल्प कर सकता था ही कुड हैव हेल्प्ड सो सेंटेंस का मीनिंग ये है नेक्स्ट है सिक्स ही डैश कैच द फर्स्ट ट्रेन टू नाइट इज टू वॉज टू हैव is to have. Correct answer is option A. He is to catch the first train tonight. Next question 7. How are you here? You dash her marriage. Are to attend. Were to attend. Were to have attend. Correct answer is option C. Were to have attendant. Next step question 8.

अपनी बात तो नहीं हो रही ना अगर यहाँ आई होता तो मे बी एम आ सकता था यहाँ पे शी है तो वॉज टू कैच होगा नेक्स्ट इज शी टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ विल शुड या वुड सो यहाँ पे जो वर्ड्स आए मैं एक बार बता देती हूँ विल क्या है वुड का प्रेजेंट है वुड कहाँ यूज़ किया जाता है जब किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो ठीक है या आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो आपका कोई डिज़ायर है या कोई इंटेंशन है तो वहाँ पे आप वुड यूज़ करते हो शुड कब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कुछ एडवाइस दे रहे होते हैं कोई रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं या किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन हो रही होती है वैसे सेंटेंस में हम शुड यूज़ करते हैं सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ठीक है शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ही डैश गो टू कॉलेज डेली बाई बस इन हिज कॉलेज डे शुड वुड या विल क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वुड वो जाता था न अपने कॉलेज डे में तो विल तो आएगा नहीं विल क्या है प्रेजेंट है तो पास्ट ही आना चाहिए शुड कभी यूज होता है जब आप किसी को कोई एडवाइस रिकमेंडेशन या कोई एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वो वो करता था ठीक है ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसको जाना चाहिए था जब अपने कॉलेज डे में था तो उसको हमेशा बस से जाना चाहिए था ऐसा बात नहीं हो रहा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो जाता था तो यहाँ पे वुड आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन डैश यू प्लीज हेल्प माई सन सो ये सेम क्वेश्चन आया था अगर आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे वुड शुड ये सब ऑप्शन में नहीं था ठीक है अभी यहाँ पे है तो सेम क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि एक ही वर्ड यूज़ हो सेंटेंस के ऊपर मैटर करता है न आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे कुड है ही नहीं ऑप्शन में तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर वुड यू प्लीज हेल्प माई सन तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है क्वेश्चन मैंने बुक से सीधा आपको दिया है तो बुक में ही ऐसा क्वेश्चन है और बुक में ही ये आंसर दिया हुआ है ओके नेक्स्ट इज़ माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी सनडे वन आई वॉज़ इल यूज़ टू इज़ यूज टू वॉज़ यूज टू उसका फ्रेंड उसको विजिट करता था ठीक है जब वो पहले इल था वॉज बोला ना करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए माई फ्रेंड यूज टू विजिट मी एवरी सन्डे वेन आई वॉज इल नेक्स्ट इज थर्टीन डीपू डैश गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग यूज टू इज़ यूज टू अकस्टम्ड टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डीपू इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग उसे उसकी आदत हो चुकी है इज यूज टू का मतलब होता है आदत हो जाना माई सिस्टर डैश टू डेली इन सच सर्कमस्टांसिस नीड नॉट गो नीड नॉट टू हैव गॉन नीड नॉट टू गो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माई सिस्टर नीड नाट गो टू डेली देखो टू गो नहीं आया क्योंकि टू गो टू डेली नहीं होगा ठीक है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा इसलिए ऑप्शन ए आया इधर माई सिस्टर नीड नाट गो टू डेली इन सच सर्कमस्ट्रांसेस नेक्स्ट इज शी डैश लास्ट नाइट एज अ फ्रेंड वॉज बेटर देन नीड नाट हैव स्टेड नीड नाट स्टेड शुड नाट हैव स्टेड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नीड नॉट हैव स्टेड शी नीड नॉट हैव स्टेड लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड वॉज बेटर देन उसको कोई जरूरत नहीं थी रुकने की लास्ट नाइट को क्योंकि उसकी जो दोस्त थी वो ठीक हो चुकी थी ठीक है अगर हम शुड यूज़ करते तो बोल वो, वो सेंटेंस ऐसा हो जाता कि उसको रुकना ही नहीं चाहिए अब ज़रूरी थोड़ा ना कि फ्रेंड अगर ठीक हो गई है मान लो बीमार थी बहुत ज़्यादा बीमार थी उससे थोड़ी सी बेटर हो गई है तो जरूरी नहीं है कि उसको ना ही रुकना हो लेकिन तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए या वहाँ से चला जाना चाहिए बट वो वहाँ से जा सकती थी तो नीड नॉट ठीक है यू डैश योर नोटबुक फ्रॉम टमोारो नीड नॉट ब्रिंग नीड नॉट टू ब्रिंग नीड नॉट हैव बॉट क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यू नीड नॉट ब्रिंग योर नोटबुक फ्रॉम टुमोरो Correct answer is option B. You need not to bring your notebook from tomorrow. Next is dash. There will be my father had forbidden me. Do I need go? Need I go? Need I have gone? Correct answer is option C. Need I have gone there? My father had forbidden me. नेक्स्ट है तीन क्वेश्चन से बच्चे जल्दी से करते हैं यस्ट डे शी डैश हर सिस्टर टू टच डेयर्स डज नॉट डेयर्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है यस्ट डे की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे डेयर्ड आया है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ही डेयर्स डैश हिज राइवल्स एब्यूज टू एब्यूज एब्यूजिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू एब्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है ना डेयर्स उसने अभी मतलब उनको डेयर मतलब क्या होता है चुनौती देना कि मैं तुम्हें डेयर दे रहा हूँ गाली देके तो दिखाओ ठीक है अब्यूज़ मतलब गाली देना या किसी के लिए भी अपशब्द यूज़ करना ओके लास्ट इज़ आई डेयर नॉट डैश आउटसाइड नाउ गो टू गो या गोइंग ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आई डेयर नॉट टू गो आउटसाइड नाउ सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ट्वेंटी क्वेश्चन थे इन द नेक्स्ट टॉपिक वी माई डू सिनेम और एंटेनम्स एंड आई ट्राई टू कवर एज मच बुक एज़ आई कैन बिफोर द टेस्ट क्योंकि ये बुक को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग सो मुझसे जितना होगा मैं उतना आपको कवर करवा दूँगी ओके एंड अगर आपके पास बुक है तो आप इससे रिवाइज़ करते चलो एंड जो पोर्शन अभी तक नहीं हुआ उसको भी पढ़ लेना ओके okay? So, I hope you like this session. Please hit the like button, share this video, and subscribe to our channel. Also, connect with us on our Telegram and Instagram. Thanks for watching, guys. See you all in the next video.